सर। क्या आप क्या बोलना चाहते हो? शायरी बोलना चाह रहे हैं। शायरी बोलना चाहते हो? माय जनाब। मेरे लिए? यस सर। पक्का? आप तो लीगल है। सर ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए शायरी डेडिकेट करता हूँ। वो याद नहीं करते हम भुला नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते हम रुला नहीं सकते, हमारे संदीप सर इतने महान हैं कि वो हम बता नहीं सकते और आप जता नहीं सकते। क्या बात है। अब हम आगे बढ़े? ठीक है, अब हमारे पास में दो ऑप्शंस है। एक है हम Q&A सेशन करें, इसमें आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, अलग अलग मैं जवाब दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक टॉपिक मैं आपको बताऊं जो आपकी एज ग्रुप के लिए बहुत रेलेवेंट है, उसी टॉपिक पे हम स्टिक रहें। तो कितने हैं Q&A वाले? वोटिंग कर लेते हैं। कितने हैं Q&A वाले जो चाहते हैं Q&A सेशन हो? 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। और कितने चाहते हैं कि एक टॉपिक हो उसी पे हम स्टिक रहें? ठीक है। तो उन 6 लोगों को मारो पीटो, उनको जो मर्जी। मेजॉरिटी विंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी आप लोगों की लाइफ में इस एज ग्रुप में? करियर। और करियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या ऐसा है जिसको अच्छे से यूटिलाइज करना जरूरी है, जिसको अगर आप वेस्ट करते हो तो पूरी लाइफ में? टाइम। सही लग रहा है टॉपिक? कि हम अपने टाइम को अच्छे से यूज कैसे करें, टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो गया। टाइम इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है, फिर भी हम अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं जाने अनजाने। ऐसा क्यों होता है? सबसे मेन रीजन तो मुझे लगता है कि आजकल टेक्नोलॉजी, जिसको ढंग से यूज नहीं करते हम, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम और फिर यूट्यूब। मतलब मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? मतलब फिर मैं ही टाइम खराब कर रहा हूँ आपका वहाँ पे? वो तो खराब नहीं होता ना, वहाँ यूटिलाइज हो रहा है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक जो सबसे बड़ा रीजन आ रहा है निकल करके, दैट इज टेक्नोलॉजी। यानी अगर टेक्नोलॉजी को भी और स्पेसिफिक किया जाए, सोशल मीडिया। ऐसा नहीं है कि हम मतलब टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि मोबाइल पे अगर हम चाहें तो बहुत कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड या और चीजों से, वो हम नहीं करते हैं। वेले काम करते हैं जिसका हमारे करियर से, हमारे ड्रीम से, गोल से कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। एंड सेकेंड इज पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस, एज वी ऑल नो, सभी को पता है। वो मैं समझा नहीं, क्या? लव लाइफ। हाँ, लव लाइफ समझ गया था मैं, वैसे ही देख रहा था कि आप क्या बोलोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। थैंक यू सर। नहीं नहीं। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, जो इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हम कैसे बचे? बिकॉज इट इज एडिक्टिव। कुछ स्टडीज हुई हैं जहां से निकल करके आ रहा है, इट इज एज एडिक्टिव एज एल्कोहल एंड टोबैको। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे? और सिर्फ यहां पर नहीं, कितने लोग हैं, मतलब हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी दुनिया है, ऑलमोस्ट सब है। और कितने कितने घंटे वहां पर स्पेंड कर रहे हैं? मिनिमम 2 से 3 घंटे, मिनिमम अगर एवरेज भी बोलूं तो 3 घंटे। इस 3 घंटे की रिटर्न क्या है? जीरो है, माइनस में है। इस सच को देख पा रहे हो? क्यों मैं ये कह रहा हूं माइनस में है? जीरो होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब जीरो का मतलब हो गया न्यूट्रल, ना कुछ आया ना गया। यहां पे आया कुछ भी नहीं, जा रहा है बहुत तेजी से। सिर्फ टाइम नहीं जा रहा है, और क्या जा रहा है साथ में? एनर्जी जा रही है, देख पा रहे हो? इसको यूज करने के बाद में 4-5 घंटे बाद क्या होता है? बहुत एनर्जी आ जाती है अंदर से, या थक जाते हो? आंखें थक जाती है या आंखों में एकदम एनर्जाइज हो जाती है? थक जाती है बॉडी, थक जाती है हाथ, यहां पे थक जाते हैं, नेक थक जाती है, बैक थक जाती है, दर्द होने लग जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो माइनस में है इसकी रिटर्न। पढ़ाई से हट रहे हो, जो भी करना चाहते हो वहां से हट रहे हो, ब्रेन आपकी क्या होती है ये सब देख करके, ये सब करके शार्प होती चली जाती है, माइंड शार्प हो जाता है या डल हो जाता है? बैठे रहो, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखते रहो एक के बाद एक, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ। तो इसका जो सोल्यूशन है, अगर ध्यान से आप समझ पाओगे, उसका सबसे पहला स्टेप है इस बात को समझना जो बात मैं कह रहा हूं। और सिर्फ अभी नहीं समझना कि अभी ये वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे हो, यहां पे बैठे हो तो समझ रहे हो, खुद अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना बार बार कि मैं कर क्या रहा हूं,
और इसका मेरा जो भी ड्रीम है, जहां पे भी मैं अपनी लाइफ को देखता हूं 5 साल बाद, उससे क्या कनेक्शन है? अगर मेरे सारे सेशंस का आप एसेंस निकालोगे, वो है क्वेश्चनिंग, नॉट मोटिवेशन. बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को मोटिवेशन के लिए देखते हैं, बेवकूफ है वो लोग. फिर मेरी वीडियोस में या आप इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हो, कोई फर्क नहीं. मेरी वीडियोस भी मजे के लिए देख रहे हो या थोड़े चार्ज्ड अप होने के लिए देख रहे हो, वहां भी मजे के लिए देख रहे हो, फर्क क्या रहा? मजा भी टेम्पररी, मोटिवेशन भी टेम्पररी. तो कब फायदा है मेरी वीडियोस देखने का? जब आप देखो एंड यू गो इन अ कंटेम्पलेटिव स्टेट. मतलब वीडियो देखने के बाद में वीडियो बंद किया और 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए बैठ करके अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कह रहे जो बंदा कह रहा है बात तो सही है, जो कह रहा है उसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रही हूं, सब जानते हुए भी मैं क्यों फंस रहा हूं. अगर इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछने लग जाओगे तो जवाब मिलेंगे ना. अगर मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछे जिसके बेस पे मैंने आपको जवाब दिया और उसको आपने रट लिया, तो आप में और एक तोते में कोई फर्क नहीं है. पता आपको सब कुछ होगा, कर कुछ भी नहीं पा रहे हो. ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ? प्रैक्टिकली नहीं आती है. बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपकी बातें सारी समझ तो आ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में हम अप्लाई नहीं कर पाते. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मेरी बातें हैं, आपकी बातें नहीं है ना. आपकी बातें कैसे बनेंगी? उसका पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन पूछना. किससे क्वेश्चन पूछना? अपने आप से. दिन में कितने घंटे या कितने मिनट आप अपने आप से बैठ करके क्वेश्चनिंग करते हो? सच बोलो, जीरो. ये प्रॉब्लम की सारी जड़ है. क्वेश्चनिंग ही तो फर्क है आप में और एक जानवर में, एक गली के कुत्ते में और आप में. फर्क क्या है? कभी सोचा है अपने आप से बैठ? थोड़ा कड़वा तो नहीं लग रहा? मैं कई बार बोलता तो हूं इतना स्ट्रांगली, मेरे को खुद को अजीब लग रहा होता है, लेकिन कई बार ये चीजें जरूरी होती है. सो अगर हम मिल करके क्वेश्चनिंग करें, और सिर्फ यहां पर ना करें, इसके बाद भी करें, इसके बाद भी आप ये क्वेश्चनिंग करो, तब आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने लग जाएगा. ये बातें जो अभी हम कर रहे हैं, ये थोड़ी देर तक याद रहेगी, उसके बाद में सब भूल भाल जाओगे. ये प्रैक्टिकल बात है. जैसे ही वापस से अपनी उस हैबिट में जाओगे, जो हैबिट आपको पड़ी हुई है पिछले कुछ सालों से, तो सारी बातें भूल जाओगे, उसकी तरफ खींचे चले जाओगे, और फिर वो आपको ओवरपावर कर लेगा, आपकी ब्रेन को, और आपकी ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करेगी. आप चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे. ये होने वाला है. ये सेशन खत्म होते ही यही होगा. देख लेना अभी वापसी में, आप लोग बहुत सारे लोग तो साथ में जा रहे होंगे, मेट्रो में बैठे होंगे, लगे होंगे. सब कुछ वही हो रहा होगा जो हो रहा था, जो आप कर रहे थे यहाँ पर आते वक्त, वही जाते वक्त हो रहा होगा. क्या रियल प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन है, या रियल प्रॉब्लम ये है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर नहीं है? डू यू हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी कि यार मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे कुछ करना है? अंदर से ये आग लगी हुई है, सच बोलो अपने आप से. डू यू हैव दैट फायर? अगर होगी तो फिर तो ये सोशल मीडिया पे हावी हो ही नहीं सकता ना. ये आपको ओवर पावर नहीं, कुछ भी आपको ओवर पावर नहीं कर सकता. डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाते हैं. मैं क्या करता हूं प्रैक्टिकली, मेरा फोन है किसी के पास में? मेरा किसके पास में दिखाना है? सबसे महंगा फोन है वर्ल्ड का, उससे ऊपर कोई है ही नहीं. ये मेरा प्यारा सा फोन है. अरे उल्टा था. लार्जेस्ट स्क्रीन, बेस्ट टच, 1000 पिक्सल कैमरा. कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? ये मेरा फोन है, बट मेरे पास में एक और फोन भी है. वो अपने पास में नहीं रखता हूं वाला फोन, मेरे पास में ये वाला फोन रहता है. बट कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई एकदम से ईमेल आ गई है, कुछ आ गए, तो उस फोन को मैं ऑन करता हूं, फटाफट से वो काम करता हूं, ऑफ करता हूं, रख देता हूं. अब ये किसने किया है? मैंने किया है, अपने लिए किया है, जबकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है. अगर एक्चुअल में आप समझोगे तो, आप किस लिए करना चाह रहे हो? अपने करियर के लिए. जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो कौन है यहां पर जो कहेगा कि मेरा करियर बड़ा कमाल का सेट हो गया है जी, मैंने कर लिया जो कुछ करना था मुझे लाइफ में फाइनेंशियली? है कोई? एनीबॉडी? मैं तो हूं. करियर में जहां तक भी आप जो भी सोच सकते हो, उससे बहुत बड़ा कुछ मैं ऑलरेडी कर चुका. अगर आज मैं पूरा दिन भी बैठ करके मोबाइल पर टाइम पास करता रहूं, मुझे फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी कर रहा हूं. और आपको करना चाहिए, फिर भी आप नहीं कर रहे हो ना. घोचू ये होते हैं, प्योर घोचू. तो कोई इंप्योरिटी है ही नहीं, समझे?